गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के मामले में पॉलिटिक्स अब भी खत्म नहीं हुई है। भले ही सरकार ने संसद से एसपीजी सुरक्षा बिल पर मुहर लगवा ली हो, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का विरोध अभी भी जारी है। यहां तक कि सरकार की शिकायत अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के सामने गांधी परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के मामले में संसद से लेकर सड़क तक हंगामे का शोर है। कांग्रेस नेता हर मौके पर सुरक्षा घटाने पर मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी कांग्रेस नेता मोदी सरकार की बदले की भावना को बताने से नहीं चूके। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान जोधपुर में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाई है, उससे ये साबित हो गया है कि वर्तमान सरकार अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए गांधी परिवार के सदस्यों की जान जोखिम में डाल रही है। इस आरोप के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देने की मांग की है, साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा दी है। सरकार ने इसके लिए एसपीजी संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था, जिसमें अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। नए प्रावधानों के अनुसार अब सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री आवास में उनके साथ रहने वाले परिजनों को ही एसपीजी सुरक्षा मिल सकेगी। इस नए बिल को लेकर ही देश भर में बवाल मचा है। विपक्षी लगातार सुरक्षा घेरे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।